दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गांव में एक नए महात्मा आए जो धार्मिकता के विषय में लोगों को प्रवचन देते थे। वह महात्मा प्रायः देखा करते थे कि उनके लाखों प्रयत्न के बावजूद भी गांव के बहुत ही कम लोग उनकी बात को सुनने के लिए आते थे, और जो थोड़े बहुत भी लोग आते थे वे ना तो इनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और ना ही उन पर अमल करते थे। ऐसे में वह महात्मा बहुत परेशान हो गए और हार कर अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे बोले, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मैं सब कुछ तो ठीक ही करता हूं, परंतु गांव में कोई भी मेरी बात को नहीं सुनता है। इस पर गुरुजी ने उन्हें एक ऐसा उत्तर दिया जो हर एक डायरेक्ट सेलर को जरूर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि चोला तो तुमने रंग लिया साधु का, पर तुम्हारे दिल में कमी है। समझ में आई बात? आज के समय में भी ऐसा ही हाल है उन लोगों का जो एक लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कर रहे हैं, सफल होने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिस प्रकार केवल चोला रंग लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, इसी प्रकार मात्र केवल व्यवसाय में आ जाने से कोई सफल नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए एक सही मानसिकता का होना बेहद आवश्यक है। इससे पहले कि आप एक बड़े लीडर बने, पहले आप मानवता से परिपूर्ण एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छी नीयत के साथ इस बिजनेस को करें।